फिश की हम मैरिनेशन करेंगे क्योंकि उसको थोड़ी सी देर के लिए हमें रखना होगा। गेस सर कोई फिश है और बहुत अच्छी फिश होती है और टेस्ट वाइज बहुत अच्छी होती है, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। फिश के पीसेज जो हैं मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, ये इस तरह के पीसेज मैंने कर लिए, ठीक है, इतने बड़े बड़े पीसेज 650 ग्राम ये मेरे पास मौजूद है। मैरिनेशन में हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पर, ये मेरे पास है टिक्का मसाला, टिक्का मसाला, ठीक है ना, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून भर के शामिल किया। बेसन जो है वो हम इसमें डालेंगे 1, और ये 2 टेबलस्पून, लेकिन ज़रा सा आप देख रहे हैं कि काफ़ी भर के मैं डाल रही ना। अब चावल का आटा क्या होता है, एक क्रिस्पीनेस देता है आपके फिश को या जिस चीज़ में भी आप डालते हैं, लेकिन क्या होता है कि चावल के आटे में ये होता है कि अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देंगे तो क्या होता है कि वो सख्त हो जाएंगी आपकी चीज़ें, क्रिस्पी नहीं रहेंगी, वो सख्त हो जाएंगी चीज़ें, कोटिंग जो है वो बहुत मोटी सी हो जाएगी, वो खाने में आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। ये तकरीबन गया 1 टेबलस्पून चावल का आटा इसके अंदर। इसके अलावा हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1.5 टेबलस्पून भर के, आप 1 टेबलस्पून भी कर सकते हैं। तकरीबन लेमन जूस इसमें मैं शामिल करूंगी, 2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई, 1 चुटकी हमने इसमें डाल लिया सोडा, इसका जब हाफ कलर आ जाए ना तो आप एक काम ये करें कि उसको निकाल लें बाहर,